हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूरिन रिटेंशन के बारे में। क्या होता है यूरिन रिटेंशन? फ्रेंड्स, कुछ लोगों को जब वो यूरिन पास करने जाते हैं तो पूरा यूरिन पास नहीं होता, ब्लैडर में यूरिन रह जाता है। फ्रेंड्स, दो तरह का हो सकता है ये, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम सडन आती है कि उसको पेट में दर्द होता है और फौरन अर्जेंट बेसिस पे उसको भागना पड़ता है यूरिन पास करने के लिए, एंड वो पर्सन एबल नहीं हो पाता ब्लैडर को खाली करने में। मतलब कि उसको प्रेशर हो रहा है और यूरिन पास नहीं होता। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी देर के लिए रहती है जिनको कि एक्यूट प्रॉब्लम होती है। लेकिन फ्रेंड्स, कुछ लोगों को ये क्रॉनिक प्रॉब्लम बन जाती है कि उन्हें यूरिन थोड़ी बहुत मात्रा में ही पास होता है, बाकी ब्लैडर उनका हर समय फुल रहता है। फ्रेंड्स, उनके लिए एक बहुत ही अनकन्वीनियंट कंडीशन बन जाती है एंड उनकी लाइफ की क्वालिटी बहुत पुअर हो जाती है, क्योंकि हर समय उन्हें उस पेन के साथ रहना पड़ता है। अदरवाइज़ उनको कि बाई एनी आर्टिफिशियल मीन्स उसको पास करना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हो जाती हैं। अगर फ्रेंड्स हम कारणों की बात करें तो एक तो एजिंग इसमें बहुत बड़ा कारण होता है कि जैसे जैसे एजिंग होते चले जाती है तो ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। साथ में मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड का जो एनलार्जमेंट हो जाता है, एनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से ये प्रॉब्लम आने लगती है। जब भी किसी को ये प्रॉब्लम आए वो उसको अवॉइड भी या इग्नोर भी ना करें एंड साथ में हेजिटेट भी ना करें, डॉक्टर को कंसल्ट करें, अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करें उनसे, क्योंकि ये प्रॉब्लम होने से उस पर्सन की लाइफ की जो एक क्वालिटी है, उसकी लिविंग क्वालिटी है, वो बहुत पुअर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले तो डिस्कस करेंगे कि क्या फूड आइटम्स हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें और किन फूड आइटम्स को हम अवॉइड करें। उसके बाद मैं आपको एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट बताऊंगी एक्यूप्रेशर की हेल्प से, बहुत इफ़ेक्टिव पॉइंट है फ्रेंड्स ये। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करेंगे उन फूड्स की जिन्हें हम अपनी डाइट में ऐड ऑन करें तो हमें यूरिन रिटेंशन से काफ़ी छुटकारा मिलेगा। सबसे पहली चीज़ है कोकोनट वाटर। हमें क्या करना है, अपनी डाइट में कोकोनट वाटर को ऐड ऑन करना है, क्योंकि कोकोनट वाटर में सोडियम एंड पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो हमारे यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कोकोनट वाटर। हमें इसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करना है। दूसरा है पाइनएप्पल जूस। पाइनएप्पल जूस में भी सेम जो कि कोकोनट वाटर की क्वालिटीज़ हैं, वही सारी क्वालिटीज़ पाइनएप्पल जूस में भी हैं, लेकिन हमें उसे फ्रेश और 100% प्योर जूस लेना है। मतलब उसमें किसी और जूस की मिक्सिंग ना हो। तो पाइनएप्पल जूस भी बहुत अच्छा है, साथ में हम कैरेट जूस को भी ले सकते हैं। कैरेट जूस भी बहुत अच्छा रहेगा, यूरिनरी ट्रैक से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं उनको दूर करने में। और इन सब के साथ साथ कैरेट जूस जो होता है वो ड्यूरिंग जब यूरिन पास कर रहे होते हैं तो एक जो बर्निंग सेंसेशन होती है उस दौरान, उससे भी हमें काफ़ी रिलीफ दिलाएगा। फ्रेंड्स, कुछ फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेटिंग फूड्स हमें अवॉइड करने हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड हैं, मैदा से बने हुए फ्रेंच फ्राइज़ हैं, वाइट ब्रेड है, इस तरह के फूड जिनसे कि हमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है वो फूड्स नहीं खाने चाहिए। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं खाने चाहिए, जैसे कि सैक्रीन है हमें। साथ में फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा एसिडिक और स्पाइसी फूड भी नहीं लेना है। डीप फ्राइड और मसालेदार भोजन का भी सेवन हमें नहीं करना है जिन लोगों को वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स, एक्यूप्रेशर की हेल्प से भी हम इसको बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे हम ब्योल मैग्नेट की हेल्प से। क्या होती है ब्योल मैग्नेट? दो कलर में होती है, एक तरफ से ये वाइट होती है, छोटी सी गोल मैग्नेट्स होती हैं, एंड एक तरफ से येलो होती है। हमें जहाँ भी एनर्जी को घटाना होता है तो हम वाइट कलर को अपनी स्किन से टच कराते हैं। कैसे कराएंगे स्किन से टच? हम ये सर्जिकल टेप लेंगे और उस पे मैग्नेट को इस तरह से चिपकाएंगे कि जो ये वाइट वाला पार्ट है ये हमारी स्किन पे टच करे, राइट फ्रेंड्स? एंड जब भी हमें एनर्जी को बढ़ाना होता है
तो हम इस तरह से लगाएंगे कि येलो पार्ट हमारी स्किन पे टच करे। यहाँ जो मैं ट्रीटमेंट आपको बता रही हूँ वहाँ हमें एनर्जी को घटाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये ब्योल मैग्नेट्स हैं तो आप उन्हें यूज़ कीजिए, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है और आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो हमने एक किट बना दिया है, बेसिक एक्यूप्रेशर किट, जिसमें कि उन सभी चीज़ों को अवेलेबल करा दिया जिनकी कि हमें ट्रीटमेंट में ज़रूरत पड़ती है। एक वीडियो बनाई है ताकि आप उन चीज़ों का सिग्निफिकेंस भी समझ सकें। उस वीडियो का लिंक हमें नीचे आपको दे रही हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं वीडियो को। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वहां जाकर ऑर्डर भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रीटमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, हमें ये पॉइंट कहाँ मिलेगा? पाम की साइड मिलेगा, मिडल फिंगर में मिलेगा, एंड मिडल फिंगर में टुवार्ड्स रिंग फिंगर कहाँ पर होगा? मैं ब्लैक पेन से फ्रेंड्स इस पॉइंट को बनाए दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, पॉइंट का नाम है K4। यहाँ हमें एनर्जी को घटाना है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वाइट कलर स्किन को टच करेगा, इस तरह से हम वाइट कलर स्किन से टच कराएंगे तो ऊपर हमें येलो कलर दिखाई देगा। फ्रेंड्स, सेम यही पॉइंट हमें राइट हैंड में भी मिलेगा। ये बाइलेटरल है, बाइलेटरल का मतलब है कि हमारे दोनों हाथों में है, इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ भी हमें वाइट कलर अपनी स्किन से टच कराना होगा। फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर मैंने आपको पॉइंट लोकेट करने के लिए बताया है, आपको ये कलर नहीं लगाना है। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप रात को लगाकर सो जाइए एंड सुबह हटा दीजिए। 6 से 8 घंटा हम इस ट्रीटमेंट को लगा सकते हैं। कम से कम आप इसको 3 महीने लगाइए। जिन लोगों को ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से चल रही है, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। साथ में जो कुछ आपको डाइट से रिलेटेड बताया है कि आपको क्या खाना है, एड ऑन करना है और क्या आपको स्किप करना है, उसका भी ध्यान कीजिए, डेफिनेटली बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स, अपने नियर डियर्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। और आपकी अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीक में एक बार हम लाइव चैट ज़रूर करते हैं अपने व्यूअर्स के साथ, वहाँ आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपके पास डेफिनेटली इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी कि कब होगा वो लाइव सेशन। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।